भगवान की जय। ये स्फटिक क्रिया है जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। हमारी बात सुनाई पड़ रही है? जितना ठंडा ये अभी है इतना ठंडा ये मई जून के महीना में भी रहता है। और ये दंत कथा नहीं है, रामायण में इसका उल्लेख है कि एक बार कुसुम सुहाए निजगर भूपन राम बनाए सीता पहराए प्रभु सागर बैठे पटक चुना अति सुंदर। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, इसला में बैठ करके भगवान बेड़ी या गजरा बनाया और माता का श्रृंगार किया बजाया। तभी इंद्र का लड़का जैन कौवा का रूप बनाया, समझ में आ रहा है? कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोंच मारा। जब खून बहने लगा, माता सीता के पैर में खून बहने लगा तो भगवान एक सीख का बाण मारा, कौवा तीनों लोग में भगा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है, कौवा पूरे संसार में एक आंख का होता है। अब आपका एक मिनट टाइम हो लूंगा, जो इधर देखिए, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना तेज करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठी। बाबू ये माता जानकी का पैर है। एक मिनट, पीछे लखन फिरा, ऊपर मंदिर, लेकिन अब आप एक निगाह ध्यान से देखें, बाबा के यहाँ न कोई डर है, न कोई लूट है, न कोई झूठा है, न जबरदस्ती। कभी आए होंगे तो मालूम होगा बेटा, जो ये पांच रंग का झंडा जहाँ प्राचीन सारा लिखा है, यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार यानी इसी 8 मार्च पे 15 मार्च यानी महाशिवरात्रि पे बेटा 7 दिन महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। यज्ञ जानते हैं, उसी में श्रद्धा अनुसार जबरदस्ती नहीं, थोड़ा बहुत 51 रुपए 101 रुपए यज्ञ में दान लेते हैं, लेकिन कोई बंधन कोई जबरदस्ती नहीं है। एक मिनट, मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। और नहीं मर्जी तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, इन लाल चिन्हों को बचा करके प्रेम पूर्वक परिक्रमा लगा करके जा सकते हैं। एक मिनट, परिक्रमा करना अनिवार्य है, दान करो चाहे ना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।